लोगों को 15 साल राज करने का मौका मिला और किसी को 18 साल से मुख्यमंत्री है, उनको जब कुछ बोल करना ही नहीं है तो वो दूसरे को इसी तरह कहेंगे। नमस्कार, डीएनडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ शिवांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज 100वां एपिसोड रविवार को देश भर में भव्यता से आयोजित किया गया। इसे विशेष बनाने के लिए कई प्रकार की तैयारियां की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी पीएम मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। इस बीच राजधानी पटना में भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर भव्य इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया था, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे मन की बात सुनने के लिए। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि जिनको विरोध करना है वो विरोध तो करेंगे ही, वो विरोध करने के लिए ही बने हैं। वहीं जदयू की तरफ से कहा जा रहा था कि मन की बात तो कर रहे हैं लेकिन काम की बात कब करेंगे देश के प्रधानमंत्री। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 साल से सत्ता में थे और 18 साल से हैं, तो उन लोगों ने क्या कुछ किया है बिहार के लिए और चले हैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने के लिए। तो तमाम मुद्दे को लेकर सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कश्मीर के व्यापारी के बारे में बताया कि जिनके पास जो एकदम अनभिज्ञ थे दुनिया से, उनके साथ आज सैकड़ों के लोग संख्या में खड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट की बहन के बारे में बताया जिनके साथ हजारों लोग जुटकर अब दुनिया ग्लोबल में ग्लोबल स्तर पर मार्केटिंग में चल रही है। इसलिए पूरे देश के निर्माण की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और मन की बात में लगातार देश के प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक कैसे भारत बढ़े, इस पर चर्चा की। बेटी को किस तरह मुख्य धारा में लाना है, सेल्फी लेने वाले व्यक्ति को कैसे जोड़ा गया, ये भी आप लोगों ने सुना और देखा कि प्रधानमंत्री जी बेटियों को पढ़ाने के लिए चिंतित हैं और लगातार ये देश श्रेष्ठ बने, यही पूरी चिंता मन की बात में पहले भी करते रहे और आज भी 100वें एपिसोड में करते रहे। देखिए, जिसको विरोध करना है वो करते रहे, उनका भी स्वागत है। विरोध तो लोकतंत्र में होगा ही, लेकिन भारत के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को पढ़ाते रहे। मतलब जिसको जानकारी नहीं है अब उस पर क्या बोलिएगा। जिन लोगों को 15 साल राज करने का मौका मिला और किसी को 18 साल से मुख्यमंत्री है, उनको जब कुछ बोल करना ही नहीं है वो दूसरे को इसी तरह कहेंगे। वो तो अपने काम नहीं करते हैं तो दूसरे को भी सोचते हैं कि काम नहीं करते। आप पूरे देश में यदि आज काम दिख रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है। बिहार की सरकार तो जमीन भी नहीं दे सकती है, इनको नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी चीज पर बोल सके। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।